मैंने कल रात को अंदर वाले फ्रिज में बहुत सारी पेप्सियां जमने के लिए रखी थी जो कि आज सुबह तक पूरी तरीके से जमकर तैयार है, लेकिन अभी इसमें दो तीन फ्लेवर की पेप्सियां मिक्स है, इसलिए मुझे सबसे पहले इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। फिर मैं इन पेप्सियों को अलग अलग करके अपने सस्ते जुगाड़ू ट्रे में रख देता हूं। मैं इन पेप्सियों को अरेंज कर रहा था तभी हमारी दुकान पर एक होलसेलर वाले भैया की गाड़ी आ जाती है, जिनसे कि मैं थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल और बहुत सारे स्पाइसी कॉर्न रोल खरीद लेता हूं, जिसे कि हमारे यहाँ बावरों के थे। वैसे कि आपने भी कभी इसे खाया है कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी दुकान में कपड़े धोने वाली साबुन खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास अभी दो साबुन के बक्से बाकी थी, इसलिए मैं उनमें से एक बक्से को यहाँ पर लगाना शुरू कर देता हूँ। वैसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप अपनी दुकान में ब्रांडेड चीजें क्यों नहीं रखते। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखेगा कि मेरी दुकान में लोकल के साथ साथ ब्रांडेड चीजें भी अवेलेबल है, और मैं अपनी दुकान में लोकल चीजें इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी दुकान एक छोटे से गाँव में है जहाँ पर ब्रांडेड चीजों के साथ साथ लोकल चीजों की डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है, और मैं अपनी दुकान में कस्टमर की हर एक डिमांड को पूरा करना चाहता हूँ।